फैक्ट नंबर टू, क्या आपने कभी सोचा है कि जो टावर्स है या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स है उसके छत पे जो रेड कलर का जो लाइट होता है, आपने देखा ही होगा कि बड़े बड़े टावर्स में ज़्यादा दिखते हैं, मोबाइल टावर्स है, उनमें लाल लाइट क्यों जलता है? पहले के ज़माने में जब हेलीकॉप्टर्स, तब तो उतना ऊँचा नहीं उड़ रहे क्योंकि तब साइंस इन्वेंशन कमजोरी थी, तो तब हेलीकॉप्टर नीचे से उड़ते थे, जब फॉग होता था किसी को भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए बहुत ही हेलीकॉप्टर वहाँ पर क्रैश हो जाते थे, इसीलिए उस लाल लाइट को दिया गया। क्योंकि आप सब जानते ही है कि साइंस का जो 7 कलर्स है रेनबो का, जो एक वाइट कलर से मतलब डिवाइड होकर निकालता है विबजियर जो बोलते हैं, वायलेट इंडिगो ब्लू जो भी है, तो रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम रेड लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा डेंजर लाइट में यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर वन, जो रेलवेज होते हैं, रेलवे के कर्मचारी जो मैंने बोला था, आप देखेंगे जो WAP-7 एक इंजन है जो वाइट कलर का होता है, जो बहुत लोगों ने देखा है, जो वाइट कलर का जो इंजन होता है उसका फेस ऐसा होता है, मतलब जो WAG-5 होते हैं, अगर आप गूगल में सर्च करोगे WAG-5 WAP-7 आपको पता चल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस फोटो का, आप देख लेना। WAG-5 का फेस ऐसा होता है स्ट्रेट पूरा, क्योंकि वो गुड्स इंजन गुड्स लोकोमोटिव है, इसलिए उसको ज़्यादा एक्सीलरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो पैसेंजर इंजन होते हैं उनका फेस ऐसा होता है। अब WAP-4 जो लाल इंजन है वो उसको देखा हुआ है, WAP-4 एंड WAP-7 का कुछ इस तरह होता है, वो भी 45 डिग्री एंगल का होता है, जो हमने पिछली वीडियो में बोला था कि प्लेन का जैसा होता है, ताकि उसको फास्ट एक्सीलरेशन हो, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन या फिर मेल एक्सप्रेस में ही उस तरह की लोकोमोटिव को लगाया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।